ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਸੋਏ ਗਏ ਹੈ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈ ਬੋਲਣ ਕਬ ਆ ਗਏ ਸੋਏ ਅਭੀ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਸ ਕਬ ਹੈ ਬੋਲਣ ਕਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ जी हाँ दोस्तों साथियों, आप सभी को हम रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर स्वागत करते हैं और जितने भी लोग आज जुड़े हैं आप सभी को राम राम सीताराम। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज हमारा पहला हफ्ता है सुंदरकांड पाठ का और पंडित रविंद्र शर्मा जी जो श्री सनी संकट मोचन मंदिर से आए हुए हैं और उनकी टीम की तरफ से ये प्रोग्राम हर मंगलवार को लेंगे जो सुंदरकांड का पाठ आप सभी को सुनाएंगे रेडियो सरगम के माध्यम से। और चलते हैं दोस्तों, जितने लोग जुड़े हैं आप सभी को राम राम और जो जो लोग यहाँ हमारे साथ आज नहीं आ पाए हैं श्री सनी संकट मोचन के, आप सभी को भी जय श्री राम। दायरे में रहकर दोस्तों हम कानून के ये प्रोग्राम लेकर आते हैं आप सभी के नाम। उम्मीद करेंगे आप ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको अच्छी तरह से सुने और अपने दोस्तों में ज़रूर बांटिएगा। कोरोना वायरस का जो भी केस है डेथ टोल ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों ऑलमोस्ट 6000 हो गया है। सुबह सुबह तक था 5894 केसेस और विक्टोरिया में था, अगर न्यू साउथ वेल्स का ले तो 2686। ये आर्टिकल आज सुबह सुबह आया था हमारे पास। विक्टोरिया का है 1191, क्वींसलैंड का है 934, साउथ ऑस्ट्रेलिया का है 411, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है 460, एसीटी का है 96, नॉर्दर्न टेरिटरी का 27 और टेस्मेनिया का 89। जैसे कि आप सभी जानते हैं न्यू साउथ वेल्स का सबसे ही हाईएस्ट है 2000, अभी शाम तक ऑलमोस्ट 3000 का हो गया होगा। और वर्ल्ड वाइड का देखेंगे तो वहाँ पर तो मिलियंस का हो गया है और आज सुबह सुबह अपडेट आया है वर्ल्ड वाइड का 1,252,252 केसेस कंफर्म्ड है और जो जो रिकवर हुए हैं 258,000 और डेथ हो गया है सो फार 68,148। तो जानते हो ये बहुत ही खतरनाक जो वायरस अभी पूरा वर्ल्ड वाइड हुआ है दोस्तों, तो अपने आप को सावधान रखिए, अपने परिवार को भी बचा कर रखिए, डिस्टेंस रखिए और जैसे कि हाइजीन जो है उसको भी अपने आप रखिए। आप जानते हो हाथ धोना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी जानते हैं अपने दायरे में रहकर क्या क्या करना है। तो चलते हैं आज जो सुंदरकांड पाठ हम कर रहे हैं, मंदिर वगैरह सब बंद है दोस्तों, तो पंडित जी यहाँ लेकर आए हैं पूरा अखंड जो ये पूरा प्रमाण जितना वर्ल्ड के लिए हम ये प्रे कर रहे हैं रेडियो सरगम के स्टूडियो से। तो अगर आप अपना शामिल होकर हमारे साथ सभी के लिए प्रे करना चाहें तो ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों भी अगर सुनेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा
उनको भी हासिल होगा। तो चलते हैं पंडित जी, आपको राम राम, स्वागत है आपका रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर। और श्री शनि शंकर मोचन मंदिर के जितने भी सदस्य हैं हमारे साथ हैं, जो जो हमें सहयोग दे रहे हैं, आप सभी को राम राम। सीताराम, आपके द्वारा ये प्रोग्राम हम लेकर चलते हैं वर्ल्ड वाइड। तो जो जो लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए, क्योंकि ये कथा सुनने से इस समय है दोस्तों, हमें बहुत पूजा की ज़रूरत है। और अगर हम ये बांट सके अपने दोस्तों में, तो आप सभी को भी कुछ ना कुछ कल्याण जरूर होगा। तो चलते हैं पंडित जी, राम राम, स्वागत है आपका। जी हाँ, राम राम शर्मिला जी। जैसे आपने कहा कि स्टैटिस्टिक्स में ऐसा ही मिल रहा है कि काफ़ी लोग का देहांत होगा और काफ़ी लोग अभी पीड़ित है, रोग से पीड़ित है। इसको उपाय तो यही है कि भगवान की स्तुति करें और साथ साथ में अपना स्वास्थ्य को ख्याल रखने ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जिस देश में आप है और जिस शहर में है, जिस स्टेट में है, वहाँ का जैसे वातावरण है और देश के कानून को देखते हुए उसके हिसाब से उठने बैठने का आदन आने जाने का सब ध्यान रखना आवश्यक है। और इस समय भगवान के सहारा से सिवाय और हम कुछ न के डॉक्टर के द्वारा दवा और भगवान के द्वारा दुआ, यही तो दोनों काम करती है। और इसी समय हम लोग सुंदरकांड के पान मात्र जो मंगलवार और शनिवार को बड़ी महत्व रखता है, इसको श्रवण करने से, इसको हम ध्यान मंत्र से सुनते हैं। याद रखिए, फूल पत्ती जो कुछ भी आपके पास है तो तैयार रखिए। अभी थोड़ी ही देर में ध्यान मंत्र के बाद में सुमिरन का पाठ करेंगे, उसमें आप देवताओं को अर्पण कर सकते हैं। आरती अंत में करेंगे, 108 नाम भी बोल सकते हैं, उसको आप जरूर सुनते रहिए। और हम लोग क्षण मात्र में ही ध्यान मंत्र के द्वारा श्री गणेश करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं क्यों हम ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, हम ये ला रहे हैं क्योंकि इस समय हमें इस तरह की प्रोग्राम की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश देश में हमको ये बांटना है कि ये प्रचार जो पंडित जी कर रहे हैं, इससे हमें कुछ ना कुछ तो लाभ ज़रूर होगा अगर हम ध्यान करें अपने भगवान जी को। तो चलते हैं आप सभी के नाम आज का जो ये सुंदरकांड का पाठ है, ये पहला हफ्ता है, मत भूलिएगा। कल जो 8th of April है, कल हनुमान जयंती है, कल भी इतने समय हम प्रोग्राम लेकर आएंगे, और वो भी हनुमान जी का ना, हनुमान जी के जन्म के। और फ्राइडे को राम कथा, तो हफ्ते में दो बार ट्यूजडेज और थर्सडेज को पंडित जी हमारे प्रोग्राम में आएंगे, ट्यूजडे एंड फ्राइडे को। जी हाँ, जो जानन जी, आपको भी हम शामिल करते हैं। दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, हम सभी का नाम नहीं ले पाएंगे जब पाठ शुरू होगा, तो उसके लिए तहे दिल से आप सभी को हम रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर स्वागत करते हैं। हरि हरि गणाधिपतये नमः। ॐ श्री सरस्वतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणायेभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वरायेभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भायेभ्यां नमः। ॐ शशिपुत्रायेभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवतायेभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ॐ वासुदेवतायेभ्यो नमः। ॐ भूर्भुवस्व दर्शवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व दर्शवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व दर्शवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ॐ जनकनन्दनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्।
ओम अग्नि गर्भाय विद्महे वायु पुत्राय धीमहि तन्नो अन्वत प्रचोदयात् शन्नो मित्रा शमरना शरणो भवतेर्वा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुद्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमयो प्रतिच्छं ब्रह्मायसि तमयो प्रतिच्छं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि धर्मारोतु तत्त्वतारभवतु अवतु माम् अवतु वत्तारमो शान्ति शान्ति अब हम चलते हैं सुमिरन का पाठ करें घर पर। अगर जो आप बैठे पूजा के स्थान पर तो जरूर फूल अगरबत्ती दिया प्रसाद निवेद जो भी आपके पास तैयार है उसको भगवान को अर्पण करने की तैयारी है। सारे देवताओं को स्तुति कर रहे हैं। आइए हमारे भाग में हमारी पूजन का भाग का आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए जो सुमिरद सिद्ध होए गणनायक करी वर बदना कहो ए बाचा बहु चरे गिर वर सरोर भूषण अरुण बारी जन किंद समने कुमार बन करुणायन गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मुनि पर कंज रामायण जित निरमय बंदो चारहु वेद भवारित बोहित सरीसा नहीं तो सपने होते वरन तेरा गुबर विश्व नयसा बंदो विधि पदरेन भसागर जिनकीन जहां अवर बुवाल सत्य प्रेम जहि राम पदा विजरत कहो कर जो और प्रसन्न पुरे बाबू सकला किरायत चल विशेष कही समय सुमिरन करो रघुवीर
श्री राम जी की स्तुति करें। चंद्र कृपालु भज मन हरन हो भयदारु श्रवण करने से पहले ध्यान रखिए, जो भी आप पाठ कर रहे हैं तो कुछ भी करना हो तो कर करके समाप्त कर लिए फिर ध्यान में बैठ जाइए। आप पाठ साथ में बोल रहे हैं तो अच्छे भाग गए आपके, अन्यथा सुन भी रहे हैं तो भी कल्याण अंत में आता है। जो इसको सुनता है, पढ़ता है, समझता है, उतारता है जीवन में, सबके सब कल्याण हो लिया गुरु। आप चारों काम कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। सबसे उत्तम समय है सुंदरकांड का पाठ करने के लिए सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। बासी सुबह उठ करके स्नान शुद्धि हो करके खाली पेट श्रवण करना, इसको बोलना उत्तम है। अन्यथा फिर सूर्य अस्त के बाद में मंगलवार और शनिवार विशेष अच्छे दिन माना जाता है। सुंदर कांड के पूरा लाभ जीवन में उतरे। मात्र एक कांड है जिसमें कोई विश्राम नहीं दिए तुलसीदास जी, पूरे के पूरे पाठ श्रवणी। बीच में कोई और बात बोलना नहीं, सुनना नहीं है, फोन आदि आप दूर रख दीजिए। इसमें ध्यान में रहिए कि पूरे लगभग 50-55 या 1 घंटे के बीच में पूरे के पूरे 60 दोहा की संगीत में हम लोग आपके बीच में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही आप भी करिए, वहां पर बैठ के जन के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश का कल्याण के लिए, देश देश में जहां जहां भी लोग पीड़ित है, कोई भी इसको सुने, सभी को कल्याण हो और अन्यथा पूर्ण सभी को बंटवारा हो। ऐसे हनुमान जी से स्तुति करते हैं। हनुमान जी का कवच समझना चाहिए, जैसे देवी का कवच है, शिव जी का कवच, वैसे सुंदरकांड भगवान हनुमान जी के द्वारा ही भगवान हनुमान जी इसमें महान एक भक्ति का खोज में निकलते हैं। भक्त भगत है और भक्ति करते करते भगवान शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें अमर पद पा लेते हैं, अमर निधि इनका प्राप्त मिल जाती है।
बीमारियों को दूर रखते हैं। इसमें विश्वास, कोई व्यक्ति का डर होता है, भय होता है कि जिस चीज से वो डर धीरे धीरे दूर हो जाती है, आदमी अपने आप में विश्वास करने दे, जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। विशेष करके इसको, कोई व्यक्ति का जीवन में कठिन चल रहा हो तो इसको पाठ 21 बार करे, 51 बार करे, 108 बार करे, जैसे भी भाई आज हम एक बार कर रहे हैं, इसको आप सुने अपने जीवन में उतारे, कोई भी आपत्ति जीवन में ना आए ऐसे सोच करके समझ करके ध्यान लगा करे, कम से कम आप सुन तो सकते हैं। कहीं भी है पाठ नहीं कर रहे हैं, सुन तो सकते हैं। आप ली श्लोक से स्वारा शुरू होगी, अंतिम दोहा जो पाई है दोहा के साथ में संपूर्ण करेंगे। हरिः ॐ श्री गणेशाय नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेघं निर्वाणशान्तिप्रदं शम्भो ब्रह्मा शम्भो वरेण्यसेवकं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमायावशं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं Thank you.
कहीं ना जाए यदि स्वर्ग भी जाए चल चल सब ही मिली आप सभी जो नाम हमारा कैसे निकालेंगे
I'm gonna make you mine.
Thank you.
ಸದಾ ಕಳಿ ದುರ್ವಾಸೈತಿ ನಮಗೆ
भारी रघुनाथ मन शंकर भारी I'm
परम शरण कम रानी ए उमत के को भवानी ओ राम लोग के चरण के मंदिर के वाले ते प्राण का सुर आवा रघुपति चरण का सुर के बावा तो मन कर कम सुख जय 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 के वाल सुख गंगा तो मन के जीव के सती मुनावा कला से कम करम बनावा अब हम रे कर दीने सुर कवि कर आए श्री के कौतुक देख चमन गौ मन के नाम के चले चरण के वंचे भक्ति के देख बुलाए Oh,
Thank you.
Thank you.
अपनावा प्रभु सुभा मुनि कुल मन मावा कुल सर्व कर्म वासी सर्व रूप सब रहि तू दासी मोहे वचन नीति मत पालय कान मन सुन कुल गाय श्री कपि सनन तापति वीरा चैर विदले जलम गंभीरा संकुल मकर पुरज जाति अति अजात सर्गम वासी बहु प्रकार मारन कपिलांगे दीन प्रकार कदि बिन जागे लक्ष्मण सब निकट बनाए दया लागे सि तुरत छुड़ाए रावण कर की जय लक्ष्मण बचाओ राम जन गावे तो मुखांगर मूल चंद मन संदेश उदार सीता जी मिले न ताओ आकाल कुमार क्यावे राम जन की जय Thank you.
Thank you.
सनातन विश्व धर्म की जय। रामचरितमानस सकल कलुंच कलुंच विदंचे विदवंसे पंचम सोपान समाप्तम। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले ये रामचरितमानस का पांचवा सोपान एवं श्री सुंदर कांड समाप्त हुआ। बोलो संकट मोचन भगवान की जय। हनुमान जी का पाठ पूरा नहीं होता है जब तक उनका चालीसा का स्तुति ना हो जाए। चले यही बहाने अब शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद में फिर आगे 108 नामावली और आरती। सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसो जोदायक बल चार बुदहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या के मोहे हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश Thank you.
प्रकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित श्याम राम चंद्र की जय भवन सुचरण श्रोता। ऐसे आप हनुमान जी का चालीसा के पाठ से साथ साथ में सुंदरकांड के पाठ को श्रवण की। आज मात्र एक घंटा लगता है, 60 दोहा इसके अंतर्गत रामचरित मानस के आधार पर हम लोग इस पाठ को आज श्रवण किए। आप पाठ में भाग लिए और यही इच्छा रहती है कि हर मंगलवार को यही स्टूडियो से हम आप तक पहुंचेंगे। अब पिछले 12 वर्ष से हमारी संस्था सन 2008 से हर मंगलवार को सुबह शाम दो बार हर मंगलवार को होता ही होता था पाठ। अभी पिछले दो हफ्ते से हम लोग सोचे जब तक ऐसा छाया हुआ है और इस देश का सरकार की तरफ से जो स्वीकृति मिली है कि लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा हम घर घर पहुंच सकते हैं, तो धन्य है बधाई है इस इन स्टूडियो का मैनेजमेंट को, भैया राज और शर्मिला को। भगवान भी चुन चुन करके अपने भक्तों से कुछ ना कुछ काम कराते हैं। पिछले वर्ष ये कहाँ थे और क्या पता था कि ऐसा समय आएगा कि एक साल बाद पूरे घर घर इनके माध्यम से हम लोग पहुंचेंगे। और ऐसे ही परिस्थिति बन गई कि अब हम लोग कहीं सहारा और कहीं बचता नहीं कि भगवान के धाम भगवान के नाम को घर घर पहुंचाना है। और सुंदरकांड के माध्यम से आज हम लोग पहुंचे। सुंदरकांड का ऐसी विशेषता है कि है मंगलवार और शनिवार को इस दिन वैसे तो किसी दिन किसी समय कर सकते हैं पाठ में और कभी भी परिस्थिति में आपके जीवन में आए पाठ को कर सकते हैं, लेकिन विशेष लाभ मैंने कुछ भी हम लोग करें उससे लाभ मिले तो ये लाभ तो शनिवार और मंगलवार को प्राप्त होता है। संगीत में तो और आनंद देता है जैसे आता आप श्रवण के, और इसमें यही है जब शुरू हो जाते बीच में रुकना नहीं है, बात नहीं करना है, बाधा नहीं डालने, फोन आदि आपको ना बाधा डाले, आप पूरे के पूरे पाठ श्रवण कर ले या तो पाठ स्वयं बोल ले तो पूरा लाभ है। भगवान हनुमान जी की तरह एक कवच है। कितने कठिन काम था हनुमान जी के आगे की लंका में पहुंच करके वहां पता लगा करके वापस आना, और आग की तरह एक व्यक्ति हो जाता है, जैसे आग कोई स्पर्श करता है तो उसको जलता है, वैसे जो व्यक्ति इसका सहारा लेकर के जीवन में चलता है वैसे उसको भी ऐसा कवच पहना जाता है कि कोई उसको स्पर्श करना छूट हानि करने के विचार भी रखता है तो उसको भगवान हमेशा हटा ही देते हैं, ऐसे बाधाएं को दूर करते हैं। और साक्षात में कोई दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को सता तो उससे भी इस कवच का पाठ के हनुमान जी का पाठ से पूरा दूर हो जाती है। और साथ साथ में जो वक्ता बोलता है या सुनता है इसका भरोसा रखता है हनुमान जी के सुंदरकांड में, उसके ये भी वरदान मिलती कि उसके अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जो भी कार्य करने के लिए निकलता है आगे बढ़ता है उसमें विश्वास होता है। हनुमान जी कितना विश्वास था एक राम नाम में कि जाएंगे क्या होगा क्या नहीं, इतने विशाल जगह है और ऐसे ऐसा, लेकिन उसका कार्य जैसे सफल हुआ वैसे हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हुई, वैसे ही आज पूरे धरती पर जैसे आपत्ति छाई हुई है। पिछले रविवार को हम लोग देखे थे कितने घर घर में नौ नौ दिया जलाएं और घर घर में नौ शाम रात्रि को 9 बजे और साथ में 9 मिनट के लिए दिए जले, ये सब है। आशा तो यही है कि एक दिन धीरे धीरे जैसे इस वायरस को पता लग रहा है कि धीरे धीरे घट रहा है वैसे वैसे हमारे जीवन में सुधार आते रहेंगे, भक्ति भावना जागृत रहेंगे। इधर भगवान ने अवसर दिया है स्टूडियो से हम आपको पहुंचे तो इसको भी बार बार धन्यवाद हम देते हैं। इस प्रकार से चलते हैं। भगवान का 108 तुलसी पत्र हो तो ठीक है, अन्यथा फूल है या सिंदूर है, जो कुछ भी हनुमान जी को अर्पण कर सकते आप करिए। तो सिर्फ नमा नमा बोलिए, हन हनुमते नमा, जैसे रामनवमी के समय भगवान राम का 108 नामावली बोलते थे वैसे हनुमान जी का हम लोग के मंदिर में भी आते थे कि हमेशा जिस देवता का पूजन होती है उसको 108 नाम तो कम से कम बोलते ही हैं, और उसको भी लेकर के अभी हम यहाँ पाठ नामावली करेंगे। आप साथ में अपने घर बैठे ही 108 हनुमान जी का नाम सुन लेंगे और हन हनुमते नमा ऐसे इनका बीज मंत्र भी बोलते रहेंगे। ॐ हन हनुमते नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ श्रीप्रद्राय नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ रुद्राय नमः। ॐ अजराय नमः। ॐ वीरवीराय नमः। ॐ ग्रामवासाय नमः। ॐ जनाशर्धाय नमः। ॐ धनदाय नमः।
ॐ निर्गुणाय नमः ॐ कायाय नमः ॐ वीराय नमः ॐ निधिपते नमः ॐ मुन्ये नमः ॐ पिङ्गछाय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ वाग्यमने नमः ॐ सीताशोकविनाशाय नमः ॐ सर्वाय नमः ॐ पराय नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ अव्यक्व्यक्ताय नमः ॐ रसाधयाय नमः ॐ पिङ्गकेशाय नमः ॐ पिङ्गरोमने नमः ॐ श्रुतिगमाय नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ अनादे नमः ॐ भगवते नमः ॐ देवाय नमः ॐ विश्वहेतवे नमः ॐ निराश्रयाय नमः ॐ अरुकर्ते नमः ॐ विश्वशयाय नमः ॐ विश्वनायकाय नमः ॐ हरीश्वराय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ रामाय नमः ॐ रामभक्ताय नमः ॐ कल्याणाय नमः ॐ प्रकृतिसिद्धाय नमः ॐ विशंभराय नमः ॐ विश्वमूर्ते नमः ॐ विश्वकराय नमः ॐ विश्वदाय नमः ॐ विश्वात्मने नमः ॐ विश्वसेवाय नमः ॐ विश्वाय नमः ॐ विश्वहराय नमः ॐ रवे नमः ॐ विश्वज्येष्ठाय नमः ॐ विशङ्गम्बाय नमः ॐ विश्ववदाय नमः ॐ कलाधराय नमः ॐ पलङ्गमाय नमः ॐ कपिशेषाय नमः ॐ ज्येष्ठाय नमः ॐ विज्ञाय नमः ॐ वनेचराय नमः ॐ बालाय नमः ॐ वृदाय नमः ॐ वायुपुत्राय नमः ॐ युने नमः ॐ तत्त्वगमाय नमः ॐ सख्यै नमः ॐ अजाय नमः ॐ अञ्जनीसुते नमः ॐ अविग्राय नमः ॐ गुरां स्वन्ताय नमः ॐ धराधराय नमः ॐ भूवरलोकाय नमः ॐ भूअरलोकाय नमः ॐ स्वरलोकाय नमः ॐ महरलोकाय नमः ॐ जनलोकाय नमः ॐ तापसो नमः ॐ अव्याय नमः ॐ सत्याय नमः ॐ कारगमाय नमः ॐ प्रणवाय नमः ॐ व्यापकाय नमः ॐ अमलाय नमः ॐ वायुपुत्राय नमः ॐ धर्म प्रतिष्ठात्रे नमः ॐ रामेष्ठाय नमः ॐ फाल्गुनप्रियाय नमः ॐ गोष्पदिने नमः ॐ तृतीयवर्षाय नमः
ओम पूर्णकमाय नमः ओम धराधिपाय नमः ओम रचोदनाय नमः ओम पुंडरीकाक्षाय नमः ओम शरणागत वत्सलाय नमः ओम जानकी प्राणदात्रे नमः ओम रक्षप्रहानकहराय नमः ओम पूर्णाय नमः ओम सस्याय नमः ओम पितवाससे नमः ओम दिवाकर संप्रभाविने नमः ओम द्रोणहत्रे नमः ओम शक्तिनेत्राय नमः ओम शक्तिये नमः ओम राक्षसमार्काय नमः ओम रचोदनाय नमः ओम श्रीरामदूताय नमः ओम अंजनेसुताय विद्महि महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् ओम नमस्तुभ्यं महावीर नमस्तुभ्यं वायुनंदनाम विल्लोकं कृपयां नित्यं त्राहि मां भक्तवत्सलाम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय ओम हनुमते रुद्राय हुपटं पवनंदनाय ओम नमो भगवते अंजनाय मुखरे श्रीखटे त्रोटाय त्रोटाय बंदमोचं कुरु कुरु हरि मर्कट मर्कट वाम पचमुखे शिखालवनाय दक्षिण मुखाय पंचमुखे हनुमते कराल वंदनाय नरसिंहाय ओम हाहिं ओम हा सकल भूत प्रेतमनाय पश्चिम मुखाय गरुरासनाय पंचमुखे हनुमते बम 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 सकल शक विश्राय पूर्व कपि मुखाय पंचमुखे टन 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 सर शत्रु शंगनाय ओम हन हनुमते नमः। आइए आरती आपके पास है तो जला लीजिए और आरती के साथ में सभी लोग मिलके अपने घर पर और यहाँ हम लोग दिन से भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी I'm not afraid of the dark.
यजामहे शिवतिर पृष्ठे वर्धनम् गुरुवारुण्यमाहन्तनाद्भिर्दुर्मोक्षेर्मामृतात् ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे शिवतिर्पुष्टिवर्धनम् गुरुवारुण्यमाहन्तनाद्भिर्दुर्मोक्षेर्मामृतात् ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे शिवतिर्पुष्टिवर्धनम् ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् को मा भवेत् सच्चिदानंद भगवान की जय सीताराम चंद्र परिवार की जय राधा कृष्ण भगवान की जय आज की सुंदर कांड की जय रामचरितमानस की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर रामायण के पाठ के बाद में शिव जी को प्रथम वक्ता रामायण का उससे क्षमा याचना तो मांगना आवश्यक है। हमारे बोलने में समझाने में गाने में कुछ न कुछ त्रुटियां हो तो भगवान शिव उसको सुधार ले और उसका असली पाठ का पूरा लाभ आप सब तक पहुंचे। ऐसे शिव जी का नमामि रुद्राष्टक का पाठ को करें। Thank you.
पठन्ति नरो भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति ॐ शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, आज जो सुंदरकांड का जो पाठ आपने सुना यहाँ पर समाप्त होता है। और कुछ पंडित जी जाने से पहले भगवती सिंह ने एक क्वेश्चन किया है कि लेडीज ऑफर सिंदूर टू हनुमान जी एंड तुलसी लीफ कैन बी ऑफर टू हिम, नॉट श्योर प्लीज, कैन वी लेडीज ऑफर सिंदूर। जी सिंदूर का महत्व है, हनुमान जी को भगवान राम और सीता जी द्वारा वरदान किया गया कि जो कोई भी हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करेंगे, सिंदूर लेकिन केसर रंग का होना चाहिए, ऑरेंज रंग का, और लाल रंग का हम लोग तो सिंदूर बोलते हैं, वास्तव में लाल रंग सिंदूर नहीं, कुमकुम ही माना जाता है, और वो देवियों ग्रहण करती है, लेकिन विशेष करके हनुमान जी को ये ऑरेंज रंग का सिंदूर अर्पण करना चाहिए, और यही राम और सीता का वरदान भी था हनुमान जी के लिए। इसके विषय में कल हम लोग सुनेंगे, लेकिन देवी हर बार चालीसा में आता है कि जो कोई यह पाठ करे, माने किसी को भी रुकावट नहीं हनुमान जी का भक्ति करनी, हमारे शास्त्र में कोई भी देवी देवताओं का पूजन एक दूसरे जात का रुकावट नहीं है कि पुरुष लोग करें या माताएं करें, अथवा कोई लोग माने यार हनुमान जी कुंवारा है तो सिर्फ पुरुष लोग ही करें, तो फिर देवी दुर्गा भी तो कुंवारी है, माँ काली भी कुंवारी है, उनका पूजन फिर पुरुष लोग क्यों करें, ऐसे प्रश्न कहीं भी ऐसे लिखा नहीं है कि ये करे या वो ना करे, कर सकते हैं और करना चाहिए, ऐसे हर दिन प्रतिदिन अगर जो हनुमान जी को सिंदूर अर्पण के तो बड़ी कृपा है हनुमान जी का आपके ऊपर कि आप भक्ति में ऐसे लगे, तो करना चाहिए। इसके विषय में कल जरूर हनुमान जयंती है, उस पे जरूर श्रवण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मत भूलिएगा कल शाम को 7 बजे से हम प्रोग्राम लेकर आएंगे, हनुमान जयंती है तो कल भी हमारा एक प्रोग्राम होगा, पंडित जी आएंगे। और यहाँ पर अगर आपको किसी तरह की क्वेश्चन करना है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, पंडित जी उसका सवाल जरूर आपको देंगे, जैसे कि आज भगवती जी ने किया है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप जरूर कर सकते हैं, बाद में जब पाठ खलास हो जाता है उसके बाद में हम आपके लिए पंडित जी से वार्तालाप करेंगे उसके विषय में। जितने लोग भी रेडियो सरगम के माध्यम से जुड़े थे आप सभी को तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आज का जो सुंदरकांड का पाठ पर आप जुड़े थे, आप सभी पर बजरंग बली का कृपा बनी रहे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके विषय में बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई लोग सुसाइडल भी हो रहे हैं, दिख रहे हैं और बहुत सारे अफेक्टेड हो गए हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके कोई भी दोस्त जो अलाउन है एट दिस टाइम और आपका कंपनी नीड कर रहा है, आप जा नहीं सकते, तो ज़रूर उसे वार्तालाप फ़ोन पर तो आप कर सकते हो, किसी ना किसी तरह से उसको सहयोग दे सकते हो, और उस तरह से वो डिप्रेशन उतना नहीं डिप्रेशन में जाएगा और बात करने से लोग थोड़ी काम होते हैं। तो चलते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड में अभी 1.1 million 252 केसेस हो गया है और साथ साथ में अभी 258 केसेस सिर्फ रिकवर हुआ है, 258,000 सॉरी जी, और 68,000 डेथ हुआ है। दिस इज़ वर्ल्ड वाइड और न्यू साउथ वेल्स का अभी हाइस्ट गोइंग रेट है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का देखें 5,894 अप टिल दिस मॉर्निंग ये नंबर्स आया था हमारे पास, और न्यू साउथ वेल्स का है 2,686 एट दिस स्टेज, और जो लोग विक्टोरिया में हैं 1,191 केस है, क्वींसलैंड का है 934, साउथ ऑस्ट्रेलिया है 411, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है 416, ICT 96, नॉर्दर्न टेरिटरी 27, टेस्मेनिया 89। तो अगर आप देखें नंबर्स बढ़ रहा है दोस्तों, सावधानी बरसाइए। और जैसे कि राज ने कहा है कि बच्चे भी क्रेजी हो रहे हैं घर पर, तो किसी ना किसी तरह से ट्राई करिए अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, बहुत बाहर मत लेकर जाइए, अगर ले जाइए भी तो ज़रूर मेक श्योर दे आर हैविंग अ मास्क और हैंड ग्लव ज़रूर पहन कर जाएंगे, छोटे बच्चे होते बहुत सारी चीज़ छूते रहते हैं, तो कीप इन माइंड कि बच्चों को कम ले जाइए, और जो बुजुर्ग है ट्राई कीजिए उनको बहुत बाहर ले जाने के लिए नहीं, क्योंकि वो बहुत रिस्क पर होते हैं। तो चलते हैं, अगर आप बाहर से आए तो अपने आप को अगर आप देख रहे हैं फेसबुक में लोग छोड़ रहे हैं ब्रश से लगड़ कर, पानी छोड़ कर धो रहे, ऐसा मत कीजिएगा,
बट प्लीज गो इन द शावर, चेंज योर क्लोथ्स बिफोर अपने बच्चे या बुजुर्गों से मिलने की कोशिश करें. तो चलते हैं, अपने आप अपने सावधानी बरसाइए, क्योंकि आप हेल्थ इज इन योर हैंड्स. और ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, वर्ल्ड वाइड ऊपर हो रहा है, तो सभी लोग को अपने अपने आप अपने परिवार को देखना चाहिए. तो चलते हैं, आज का जो सुंदरकांड का ये पाठ था, एक कीर्तन सुनते हैं. जो ये प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं सुंदरकांड का. 9:18 PM हो गया, दो घंटे का प्रोग्राम लाते हैं. तो मैं शुआ दोस्तों, कल जो शाम को हमारा प्रोग्राम होगा 7 बजे से शुरू होगा. और कल जैसे कि हनुमान जयंती है, पंडित जी से पूछते हैं हनुमान जयंती के दिन क्या करते हैं. पंडित जी कुछ अगर आप एडवाइस करें तो ठीक होगा कल के दिन.
जी हाँ, अगर आप घर पर है ये पाठ तो जरूर करिए। हनुमान जी को जल अर्पण कर सकते हैं तो अच्छी बात। तुलसी का पौधा में घर पर है, सूर्य की तरफ देख करके ओम हन हनुमते नमः बोल करके जल अर्पण करिए हनुमान जी को। हर दिन प्रतिदिन तो करना ही चाहिए, नहीं कर रहे तो कल तो जरूर करें। हनुमान जी को लाल रंग प्रिय है तो लाल फूल उनको अर्पण कर सकते हैं, लाल रंग का फल जैसे कि स्ट्रॉबेरीज आदि है। हनुमान जी को लाल वस्त्र प्रिय है तो उनको लाल रंग का कपड़े, आप कहीं भी घर पर मूर्ति उसको अर्पण कर सकते हैं, या तो ओम हन हनुमते नमः बोल करके वस्त्र रख दीजिए, कभी ना कभी कहीं ना किसी को दान कर देना। बाद में चालीसा का पाठ इंग्लिश में भी मिलता है, इंटरनेट में भी है, आपके पास है तो जरूर एक बार जरूर करिए। वैसे तो लिखा है कि जो सट बार पाठ, सट के मतलब होता है 100, तो कोई 100 बार पाठ कर ले तो और अच्छा है, अन्यथा जितना बनता है आप करिए। ओम हन हनुमते नमः ऐसे मंत्र जाप करिए। हनुमान जी राम भक्त प्रिय है, सबसे प्रिय राम भक्त है, तो राम जी का भी कथा को सुनने का अवसर मिल जाए तो जरूर आप श्रवण करिए। और कुछ नहीं कर पाए तो शाम को तो 7 बजे मिलेंगे ही इस स्टूडियो के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी और गुरुचरण जी, आपको भी जय श्री सीताराम। हम जानते हैं आप इंडिया में हैं और पंडित जी की तरफ से आपको भी जय श्री सीताराम। तो चलते हैं, रोहिणी देवी आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी को तहे दिल से हम रेडियो सरगम पर स्वागत करते हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों हर जो मंगलवार को हमारे साथ सुंदरकांड के पाठ पर आप हमारे साथ ऐसा ही जुड़े। अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए क्योंकि अभी हमें बहुत ज़रूरी है इस जो हम पाठ कर रहे हैं। अपने जितने भी दोस्त हैं पूरा दुनिया में वी नीड जितना प्रेयर्स हो सके उन सभी के लिए जो जो सफ़ा कर रहे हैं, और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हम ये तो कर सकते हैं। तो हर मंगलवार को हम सुंदरकांड की पाठ करेंगे और फ्राइडेज़ को जो राम कथा पंडित जी लेकर आएंगे, और कल तो एक स्पेशल प्रोग्राम है हनुमान जयंती है तो पंडित जी कल शाम से लेकर आएंगे 7 बजे से। अगर आपको कोई सवाल करना है तो ज़रूर, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, आप कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, ज़रूर उसके बारे में हम बातचीत करेंगे प्रोग्राम के एंड होने के बाद में। तो चलते हैं एक और गीत आप सभी के नाम, ये बजरंग बली का है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आएगा। चलते हैं जाते जाते जो हम श्री शनि संकट मोचन मंदिर के पंडित जी हैं और उसके जितने भी टीम है उनको भी धन्यवाद देते हैं जो ये सुंदरकांड का पाठ आज उन्होंने पढ़ा है। हम तो पढ़ रहे थे उनके साथ, हमने देखा 60 दोहा ना, हाँ कितना है इंग्लिश हिंदी साठ उतना दोहा इन्होंने पढ़ा है एंड और कंटिन्यूस पढ़ा है इन्होंने, और एक घंटे से ऊपर लग जाता है, ऑलमोस्ट 1 hour 20 minutes दोस्तों। तो आई मीन दे नीड, जैसे कि इनको हम क्रेडिट देते हैं क्योंकि ये नहीं होते तो आज हमारा सुंदरकांड सुनने को आपको भी नहीं मिलता, हमें भी सुनने को नहीं मिलता। तो पंडित जी की जो संगीत टीम है उनको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। सभी तो नहीं आ सकते तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और जितने लोग जो हैं यहाँ पर आज हमारे साथ उन सभी को तहे दिल से रेडियो सरगम के माध्यम से आप सभी की तरफ से उन सभी उनको धन्यवाद देते हैं कि इतनी अच्छी से ये सुंदरकांड का पाठ किया कि आप सभी ने भी सुना और अपने दोस्तों को भी सुनाया। और जो जो लोग अभी नहीं सुने हैं ज़रूर सुन सकते हैं, बाद में भी जाकर यूट्यूब रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया का यूट्यूब में भी देख सकते हैं, या हिंदू कॉस्मोस ऑस्ट्रेलिया उनके भी YouTube चैनल है, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब करें, वहाँ से भी देख सकेंगे जितना प्रोग्राम रेडियो सरगम के स्टूडियो से हो रहा है दोस्तों, आप दोनों YouTube चैनल से देख सकेंगे। और ये यहाँ पर अपने दोस्तों को भी एनकरेज कीजिए कि वहाँ से आकर देखें, और कुछ ना कुछ हनुमान जी का जो चालीसा है इससे कुछ ना कुछ ग्रहण करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। तो चलते हैं, थैंक यू वंस अगेन पंडित जी और श्री शनि संकट मोचन की जो मंदिर के जितने सदस्य हैं उन सभी को तहे दिल से वंस अगेन रेडियो सरगम के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। कल हम आप सभी से मुलाकात करेंगे, कल जो वेंसडे है हनुमान जयंती पर। राम राम सीताराम। चलते हैं दोस्तों आप सभी के नाम एक गीत। दरस दिखाओ, इतनी सुंदर पंक्तियां कवि ने लिखी आपके मध्य है, आइए।
कृष दिखा जाओ हो बाबा बजरंग बली कभी मेरे घर भी आ जाओ जो जगाओ तुम्हें बनाओ एक बदर्श दिखा जाओ हो बाबा बजरंग बली दोस्तों कल का जो प्रोग्राम हमारे जो आएगा हनुमान जयंती का इट इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय सिडनी अकाउंटिंग इंटरसेशन और प्लीज डू ट्यून इन 7 बजे से हमारा प्रोग्राम होगा 9 o'clock होगा हनुमान जयंती पर पंडित जी आपका प्रचार करेंगे और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं और रुचि रखते हैं जो ऐसा रिलीजियस प्रोग्राम में तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए कल का जो हमारा प्रोग्राम 7 बजे से शुरू होगा प्लीज़ इन्वाइट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और हमारे साथ भाग ले कि जो हम अभी मंदिर नहीं जा सकते रेडियो सरगम के स्टूडियो से हम लेकर आते हैं ये प्रोग्राम यहाँ पर पंडित जी आता है श्री शनि शंकर मोचन मंदिर से और बाहर के भी लोग बहुत सहयोग देते हैं दोस्तों स्पॉन्सर करते हैं हमारा प्रोग्राम को तो चलते हैं उम्मीद करेंगे बहुत सारे लोग जो रुचि रखते हैं इस समय भी नीड जितना भी प्रेयर्स हो अपने दोस्तों चाहने वाले के लिए दोस्तों तो हम अभी यही कर सकते हैं एक साथ एकजुट में होकर तो प्लीज़ डू ट्यून इन 7 बजे से लेकर हमारा प्रोग्राम 9 PM तक होगा और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए और जैसे कि हमने कहा है कल का प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सिडनी अकाउंटिंग इंटेक्सेशन देवचंद जी और उसके परिवार की तरफ से आ
दोस्तों ये कीर्तन आप सभी के नाम था, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। जाते जाते आप सभी के लिए हम ये गायत्री मंत्र करते हैं। उम्मीद करेंगे आप सभी को बहुत बहुत सुकून मिलता होगा। अगर ये प्रोग्राम आप देखते हैं, अपने दोस्तों को भी बांटिएगा, प्लीज शेयर। और कल का जो हमारा प्रोग्राम होगा हनुमान जयंती का, वो स्पॉन्सर्ड बाय है सिडनी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, 7 बजे से शुरू होगा दोस्तों, और 9 बजे तक का हमारा प्रोग्राम होगा। वंस अगेन जितने लोग जुड़े थे, अगर किसी का नाम नहीं लिया दोस्तों, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तहे दिल से आप सभी को हम रेडियो सरगम पर स्वागत करते हैं। पंडित जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और श्री शनि संकट मोचन मंदिर की तरफ से, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं इतना लॉकडाउन के समय हम कहीं जा नहीं पा रहे, तो आपके लिए हम यहाँ से लेकर आए हैं। और रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, पंडित जी बहुत मेहनत कर यहाँ आता है, तो इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए आप तो सिर्फ शेयर का बटन दबा सकते हैं बैठे बैठे, उतना कर सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम और भी लोग के पास जा सकता है आपके दोस्तों में। अगर आप नहीं जानते शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ डू सेंड मैसेज ऑन द मैसेंजर, ज़रूर हम आपको बताएंगे कि कैसे शेयर करना चाहिए। अपने एडमिन रंजीता जी और जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े थे, थैंक यू वंस अगेन। तहे दिल से आपको भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप नहीं होते तो हमारा प्रोग्राम अधूरा होता है, क्योंकि आपके ज़रिए से हमारा प्रोग्राम यहाँ तक चलता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आप भी ना होते तो ये प्रोग्राम भी ना होता था। थैंक यू वंस अगेन फॉर यू टू जो लोग जुड़े थे। वंस अगेन आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आप सभी से मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे।